शायद गाइज मैंने रात को यहाँ पे आए थे 2:30 बजे लमसम एक वीडियो क्लिप भी बनाई थी गाइज, आप नोट करना इस क्लिप में तो मतलब मेरे को नींद आ रखी थी या मैं नींद में बोल रहा था कि गाइज मैं कन्फर्म मेरे को याद है मैं यहाँ पे आया था टायर वायर चेक किया, अब नींद की ऐसे आएगी वो ही नहीं मालूम। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है 12:00 बज रहे हैं और गाइज नाश्ता वास्ता करने के लिए जा रहे हैं, खाना मिलेगा तो गाइज खाना ही खा लेंगे, नाश्ता मिलेगा नाश्ता करना पड़ेगा। गाड़ी देखो पीछे की साइड में खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट ही है। गाइज देखो ये जिंग और तिरपाल खोल दिया, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे। साइड में जो पाती लटकी हुई दिखाई दे रही है ना उसके है ना ये जिंग का वो पहले है ना लोहे आची अच्छी कर दो बिल्कुल कड़क। हेलो गाइज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और तो गाइज ना इस होटल पे आए थे हम रात को 2:30 बजे के लमसम। गाइज यहाँ पे सोने का विचार तो नहीं था, नींद ही आ गई क्या करें। और अभी सुबह सुबह है ना हमारे मतलब साइड के ड्राइवर आए और हमारे को जगाया कि अरे उठो उठो गाड़ी की लाइट वगैरह सब चालू रह गई। तो गाइज उठे और थोड़ा रेटर में पानी वानी डाला, गाड़ी वाड़ी स्टार्ट किया, अब आए गाइज राजस्थानी होटल है चाय वाय पीने के लिए। और गाइज महाराष्ट्र पार कर दिया, अब छत्तीसगढ़ बॉर्डर आने वाला है। तो गाइज अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, फिर वीडियो को लाइक मांगे मैं पूरी करता हूं। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को, तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया उसको जय हिंद जय भारत और दिल से सैल्यूट, इस तरीके का सैल्यूट। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है जिन्होंने नहीं किया कर दो हाथ जोड़ के विनती। तो गाइज वीडियो शानदार रहने वाला है, चलो गाइज वीडियो इधर आगे चलते। गाइज देखो नाइट के समय में कितनी सुंदर दिखाई दे रही है रोड, और जो ये ऊपर लाइट लगा रखी है लाल लाल गाइज और ज्यादा सुंदर दिखाई दे रही है। और यहाँ पे तो गाइज देखो बिल्कुल नई रोड बनाई हुई है, और ये जो लाइन खींची हुई है ना रोड पे ये भी गाइज बिल्कुल नहीं है, देखो एहसास ही नहीं हो रहा गाइज अभी तो गाड़ी में कब आई। अभी हम गाड़ी में चल रहे हैं गाइज ना, बॉर्डर के कोई पैसे नहीं है, ओनली फॉर गाड़ी कांटा करवाएंगे तो गाड़ी गाड़ी के पैसे लगेंगे कांटा कांटा के। गाइज ना इस बॉर्डर पर जब मैं फर्स्ट बार आया था ना तो यहाँ पर दंगा हो गया था, और एक पिकअप वाला और एक ट्रक वाले के साथ हुआ था। गाइज ना जैसे मैं यहाँ आके और कैमरा स्टार्ट किया था ना तो वो पिकअप वाला भग गया था, उसको पता लग गया कि भाई ये वीडियो बना रहा है, तो गाइज ना वो भग गया फिर। और ट्रक का भी नुकसान किया था गाइज, साइड ग्लास वगैरह थोड़ा था, वो वीडियो देखना आप गाइज सच्ची में गाइज पूरा लाइव है जाने दे। तो गाइज देखो बॉर्डर से टप्पा दिला के लेके आ गया इस साइड में आईटी ऑफिस। तो गाइज पैसे तो लेते नहीं है क्योंकि महाराष्ट्र का बॉर्डर फ्री है, मैंने आपको एक दो बार पहले ही बता दिया, वो फ्री में देखो इसको टप्पा दे दिया। गाइज ये महाराष्ट्र बॉर्डर है ना पहले चालू था ना तो ज़्यादा रुपये नहीं लेता था, 500 रुपये लेता था, ये आजकल वही नहीं लेते बिल्कुल फ्री कर दिया गाइज, ये काम बहुत अच्छा हुआ। तो गाइज देख लो नागपुर के अंदर पहुंचने वाले ये। अब गाइज देखो ये मेन रोड है ना, ये तो छोड़ना पड़ेगा और ये रोड लेना पड़ेगा, चलने दो चलने दो। गाइज ना एक बार पहले मेरा आया हुआ है वैसे नागपुर सिटी के अंदर। गाइज आमने सामने से ट्रैफिक देखना पड़ेगा क्योंकि अभी ट्रैफिक का टाइम है, चलने दो चलने दो चलने दो चले। गाइज देखो सामने बत्ती लग गई कार का और बाइक का ट्रैफिक देखो गाइज। गाइज देखो लमसम ट्रक वाले तो लाइन में ही है, बोले कार और बाइक की कोई लाइन नहीं है गाइज। तो गाइज है ना अब हमारे को रायपुर के लिए बिल्कुल सीधा चलना है, देखो वहाँ पे सामने बोर्ड लगा हुआ है। नाइट के समय में गाइज ज़्यादा जूम करूँगा ना तो वीडियो फटने लग जाएगा। गाइज देखो इतने ज़्यादा ब्रिज बनाई हुई है, मेरे तो खुद के समझ में नहीं आ रहा भाई कौन सी मेट्रो किधर जा रही है। देखो ये जितने भी ब्रिज है ना सब मेट्रो मेट्रो के गाइज, लमसम तो अभी बने ही नहीं है, काम चल रहा है देखो ऊपर बिल्डिंग वेल्डिंग का। और अब हमारे को यहाँ से है ना कलाई साइड लेना है गाड़ी को, चले भाई चले। देख लो गाइज अब तो है ना नागपुर में बहुत ज़्यादा सुधार हो गया रोडों का, आधा पौन घंटे में देख लो नागपुर पूरा पार कर दिया हमने। तो गाइज बूटी बोरी वाला ये ब्रिज है, इस साइड में जाती है बूटी बोरी रोड, और इस साइड में जो रोड जाती है ना गाइज सागर जाती है सागर। गाइज देखो नागपुर पार करके जो टोल आता है ना टोल पे रुके, टायर वायर चेक कर लिए, अब चलते हैं चाय वाय पी लेते हैं। देखो साथ वाली गाड़ी भी एक आ गई, और उसको बोलना आगे ना चला जाए। तो गाइज है ना उस गाड़ी के क्लास है ना वो चलाएंगे अब मेरी गाड़ी को, और मेरे वाले ड्राइवर थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। तो गाइज देखो वो जा रही 66-25। गाइज नाइट का समय हो रहा है थोड़ा सा वीडियो भी फट रहा है। गाइज अब तीन ही गाड़ी रही है साथ में, दो गाड़ी है ना नागपुर में रह गई क्योंकि वो गाड़ी है नागपुर में खाली होगी। तो गाइज भी करीबन टाइम हो रहा है 11:30 और देखो हम पहुँचे SB पंप पे, और इस साइड में राजस्थानी होटल
तो ये 2-7 वाली गाड़ी तो यहाँ पे लगा दी और अभी तक मेरी गाड़ी आई नहीं, पीछे ही चल रही है। तो गाइज खाना वाना खा के आ गए, अब चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो गाइज यहाँ से रायपुर भी 2-3 किलोमीटर है और ये ना ब्रिज बंद किया हुआ है, मतलब पहले एक बार जब नया बना था ना तो चालू कर दिया था। अब तो गाइज देखो ब्रिज की सर्विस रोड तो हुआ है और हम चल रहे हैं इस पे, जो दिन के अंदर सिटी का लोकल ट्रैफिक चलता है ना उस रोड पे, क्योंकि इस रोड पे ब्रेकर नहीं है। उस रोड पे ना जो नीचे की ब्रिज की सर्विस रोड है ना, उस सर्विस रोड पे जगह जगह ब्रेकर बने हुए हैं। गाइज ये ब्रिज देखो कितना शानदार बना हुआ है और खुली जगह देखो गाइज, पूरा ब्रिज है ना एक सांस है, मतलब आगे बहुत दूर तक दिखाई दे रहा है। अभी तो गाइज नाइट है, कभी मैं आपको दिन में दिखाऊंगा ये ब्रिज। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है, रात के बज रहे हैं 2:30 और देखो इस साइड में SB का पंप और बाबा रामदेव राजस्थानी होटल। गाइज है ना सात वाली गाड़ी का कर रहे हैं वेट, वो पीछे रह गई, वो भी आ जाए फिर साथ में चलेंगे। और गाइज एक दो बूंदे बारिश की भी स्टार्ट हो गई। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है सुबह के 7:30 और देखो ना इसी होटल पे नींद आ गई थी, गाड़ी है ना सामने खड़ी है और आपका भाई ने हाथ में कैंपर ले रखे, रेटर में पानी डालना है थोड़ा बहुत, रेटर में भी पानी कम है सामने। गाइज देखो सुबह सुबह चाय तो पी ली, ये राजस्थानी देखो अंदर क्या बना रहे हैं। शायद गाइज मैंने रात को यहाँ पे आए थे 2:30 बजे लमसम एक वीडियो क्लिप भी बनाई थी गाइज, आप नोट करना इस क्लिप में, तो मतलब मेरे को नींद आ रखी थी या मैं नींद में बोल रहा था कि गाइज मैं कन्फर्म मेरे को याद है मैं यहाँ पे आया था, टायर वायर चेक किया, अब नींद की ऐसे आ गई वही नहीं मालूम। मुझे लोग ही गाड़ी मानी साइड मुझे शीशो कौन से टाइड हो फिर तुम फोन हटे पड़े हो मराए ने 4 बार उठ देखियो मैं कि हाल ही को नहीं आ गई भी हाल ही को नहीं आ गई। गाइज ने हमारे जो साथ में गाड़ियाँ थी ना उनने हमारे को आगे जगाया था, हमारी नींद ही नहीं खुली भाई, पता नहीं ऐसी कौन सी नींद आ गई थी। और गाइज मेरे को ऐसे याद आ रहा है कि मैं रात में ऐसे उठ उठ के चेक कर रहा था कि भाई यहाँ पे भाई का मोबाइल पड़ा है। सुबह सुबह तो जैसे उनने आके और फाटक ठोके ना तो गाइज उठ गए। गाइज देख लो छत्तीसगढ़ बॉर्डर भी पार कर दिया, बॉर्डर रह गया पीछे की साइड में। गाइज पता नहीं उस बस के पास टेक क्या हो गया, चल रहा नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, आधा घंटा हो गया। चले 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 गाइज है ना ये बस वाले भी गाइज इतने ज्यादा परेशान करते हैं, ये देखो ओवरटेक करके वो सामने लाके रोक लेते हैं सवारी के लिए। एक बस को तो भी गाइज पीछे की है और एक आगे चल रही है। गाइज यहाँ पे ये पता नहीं ब्रिज कब बनेगा, कब रोड चालू होएगी ऊपर की, और यहाँ पे बारिश भी देख लो। गाइज ना हमारी गाड़ी में कुछ दिन पहले वो रिलायंस के पाइप रिजे थे ना, तो गाइज हम इसी रोड से गए थे। तो गाइज अभी करीबन टाइम हो रहा है 2:00 के बज रहे हैं 12 और गाइज नाश्ता वास्ता करने के लिए जा रहे हैं, खाना मिलेगा तो गाइज खाना ही खा लेंगे, नाश्ता मिलेगा नाश्ता करना पड़ेगा। गाड़ी देखो पीछे की साइड में खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट ही है क्योंकि गाइज कम से कम है ना 140 किलोमीटर के लमसम निकाल के यहाँ पे गाड़ी रोका है, लोडिंग गाड़ी देख लो कहीं पे नहीं रोका, पानी की बोतल वगैरह सब खाली हो गई। गाइज ने नाश्ता वास्ता करके वहाँ से निकल गए और अब है ना इस रोड पे हमारे को कम से कम 20-22 किलोमीटर चलना पड़ेगा। तो गाइज देखो कंपनी के पास पहुँच गए, पहले थोड़े से आगे चले गए थे वापस घूम के आगे। गाइज इस कंपनी में एक बार पहले भी हमारा आया हुआ है, कंपनी में कंपनी में लफड़ा हो रहा है, वीडियो नहीं बना सकते। देखो ये जिंग और ऐसा तिरपाल खोल दिया, वीडियो बनाना अलाउड नहीं है यहाँ पे गाइज, बहुत मुश्किल हो रही है, आगे पीछे हर जगह लोग ही लोग हैं। और हमारा काम तो रेडी कर दिया, अब खाली करने वाले कब आएंगे देखे जाएंगे। साइड में जो पाती लटकी हुई दिखाई दे रही है ना उसके है ना ये जिंग का कलर कर दिया, वो पहले ना लोहे कलर में थी उसको जिंग का कलर आ गया। गाइज कितना रेलवे का माल पड़ा है यहाँ पे, रेलवे और टावर गाइज सरकारी चीज़ का ज़्यादा माल बनता है यहाँ पे, ऑल इंडिया किधर भी जा सकता है बन के। वो देखो जब मैं फर्स्ट बार आया था तो इसी गोडाउन में गाड़ी खाली हुई थी और अब की बार भी इसी गोडाउन में गाड़ी खाली हो रही है। गाइज है ना अंदर की साइड में साफ लोग थोड़े से कुछ ज़्यादा ही फिर रहे, घूम रहे इधर से उधर, तो वीडियो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है बनाना।
गाइस गाड़ी खाली करने वाले आ गए, पता नहीं खाली करने में कितना टाइम लगेगा। जिंग है गाइस, ज़्यादा टाइम तो नहीं लगेगा जिंग में। मोटोरी देखो, गाड़ी खाली होने वाली है, ये लास्ट 6-7 पीस बचे। गाड़ी खाली करके बाहर निकाल लिया, अब चलते हैं गाड़ी को घंटा वंटा करवा लेते। तो गाइस देखो, गाड़ी खाली हो गई, कंपनी से बाहर निकल गए, अब चलते हैं गाइस अगली लोडिंग के लिए। अब की बार है ना खाली करने के लिए, तो गाइस गाड़ी बहुत पकाया, तेल जला दिया सारा, 3000 का अभी और डलवाना पड़ा, पीछे पंप आया था। और गाड़ी देखो पीछे की साइड में खड़ी है, हम जा रहे हैं थोड़ी सी बाजार में। अच्छी अच्छी कर दो, बिल्कुल कड़क। हाँ अंगूर ले ले, ए बड़ोड़ा ले ले, कच्चा है ना। हाँ ये ले कच्चा, हाँ कटा मीठा ले ले। पीछे की साइड में था बाजार, जाके आए। और ये देखो अंगूर और थोड़ा सा सेम लिया, आधा केजी सेम है और 20 रुपए के अंगूर है। तो गाइस देखो मेन रोड पे पहुंच गए हैं, और ये जो ब्रिज है ना, इस ब्रिज की सर्विस रोड से आए थे। गाइस देखो अगली लोडिंग का कॉल आने लग गया। गाइस देखो टाटीबंद सर्किल के नीचे कैसी लाइन लगी हुई है, पीछे भी देख लो। और गाइस कार देखो इधर से उधर, इधर से उधर लग रखी है। तो गाइस देखो आज गाड़ी के अंदर फैन भी लगाया इस साइड में, वो जो हमने वेल्डिंग रॉड से छेद करवाया था ना गाइस, वो छेद सही नहीं हुआ, तो वहाँ पे तो लगी नहीं, तो यहाँ से देखो रस्सी से बांधा। और गाइस देखो लोडिंग के लिए पहुँच गए। तो उम्मीद करता हूँ गाइस आज का वीडियो पसंद आया, गाइस पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर देना। चलो गाइस नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। अभी गाड़ी लोड नहीं हुई है, कल होएगी, अभी तो पहुँचे हैं। चलो गाइस।